एक न्यू ब्लॉग के साथ आ चुके हैं जिसमें हम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का आपको विजिट करवाएंगे, तो आइए हमारे साथ चलते हैं। चैनल किन है? बोल कितना चैनल है आपका? तेरी। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम UMT का शॉर्ट विजिट करेंगे। तो आज की वीडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जैन और एहतिशाम। यार इधर बैठे क्या कर रहे हो भाई? नवी नौकरी लगी है डेढ़ा फेड़ने नौकरी लगी है। तेरी डिग्री हो गई है? मैं आगे लग रहा है पीछे पे हो के तन्नू आते बनना है तू बाहर लाड़ लेके चल। बड़ा हरामी हो बेटा, यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं और इनके आप काम देख सकते हैं। और हम आगे चलते हैं अभी। सारी चीजें साइकिल लाई आते थे, अभी जॉब स्टार्ट होंगी। ऐसे तेरा काम है? ये कौन सी जगह? मिनी आईफिल टावर। वो देखो पीछे पैकेजेस मॉल है, और वो जो नया बन रहा है वो एम्पोरियम है, एम्पोरियम पार्ट टू। अच्छा, ये बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो रहने दो। एमटी वाले बना कर एयरपोर्ट है। अभी हम UMT ग्रीन में आ चुके हैं। ये देखो ये बदल गया सारा सामान, ये खजूर के दरख्त है। हम आ गए जद्दा सऊदीया में। पूछा मैंने कुछ? यार ये चीज सबसे ज्यादा बेहतरीन है, ये हैशटैग माय UMT। ये UMT म्यूजियम है, ऐसे मस्जिद खुली है। ए भाई जन शेल्टर गिरा ऑर्फन हाउस तो ये ऑर्फन है। जान इधर देखी ऑर्फन नंगी नसी जाने। ये यूनिवर्सिटी का मेन एरिया, इसको मेन बिल्डिंग कहते हैं, मतलब वो पुंडी पॉइंट। नहीं नहीं शाबाश बेटा, पुंडी पॉइंट भी कह सकते हो, झंडा चौक भी कह सकते हो। झंडे लगे ने, इंज लगे ने जिवें पता नहीं ऑस्ट्रेलिया दी यूनिवर्सिटी है। अभी हम बिल्डिंग के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये हमारी आगे आए कैमरामैन, ये क्लासें हमारी, ये सारी क्लासें हैं। वो वेट कर जाते हैं जिवें यूनिवर्सिटी दी यूनिवर्सिटी क्लास चल रही है। क्या लगे में? फायर हाइड्रेंट्स, आग बुझानी होगी ना। ये देखे तेरा दिल यहीं पे आके लगता है। मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए 4 साल हो गए हैं, आज पहली दफा मैं बैग लेके आया हूँ, क्योंकि मैं सीधा कसूर से आया हूँ। इसमें कपड़े वगैरह लैपटॉप है, तो इस वजह से मैं पहली दफा बैग पहन के आया हूँ। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो रहने दो। यहाँ पे सेमिनार होते हैं। जैन बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने उस जगह पे बैठ के ना अपना फॉर्म फिल किया था UMT में एडमिशन लेने का। अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे मेरा ख्याल है कैफेटेरिया निकलेगा, लेकिन ये रास्ता कहाँ निकल जा रहा है? 4 साल हो गए थे कैफेटेरिया उधर इधर की करने जा रहे हो, कसूर निकलना रास्ता। देखें जी, यूनिवर्सिटी में माँ बाप बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। यहाँ पे अब यूनिवर्सिटी में काफी लड़के ऐसे होते हैं जो 1-2 सेमेस्टर के बाद जो है ना लड़कियों के साथ घूमना फिरना शुरू कर देते हैं और पढ़ाई से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं, तो वो अपने माँ बाप का पैसा ज़ाया करते हैं। इस तरह नहीं, लिहाजा हमें अपने माँ बाप का पैसा हलाल करना चाहिए और हमें लड़कियों की तरफ ध्यान ना देते हुए अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। ये काम बिल्कुल ये UMT का फैकल्टी पार्किंग एरिया है, और ये UMT ग्रीन है, और ये यूनिवर्सिटी ने जहाज भी खड़ा किया हुआ है, और जैन इसका मुआयना कर रहा है। या जैन को देख सकते हैं, इस जहाज में इंजन नहीं है, इसका इंजन निकाला हुआ है क्योंकि हमारी पाकिस्तानी आवाम जैसी है ना। ये देखो, अच्छा ये स्टार्ट भी होता है, मैं ऑन करता पता नहीं। हमारी पाकिस्तानी आवाम जैसी है ना, अभी तक अगर इसके अंदर इंजन होता ना तो ये अभी तक कोई लेके उड़ गया होता। भाई मैं चला फलस्तीन, मैं तो आया 2 मिनट मैं भी टांग, मैं भी चल चल लटक जो दोनों पासे बैलेंस हो जाएगा। लेकिन दोनों पासे बैलेंस किवें होगा? एक पासे गेंडा, इनको यूनिवर्सिटी की फैकल्टी तलब करेगी। ये जो इनकी हरकतें हैं ये वीडियो में रिकॉर्ड हो चुकी हैं, तो ये आप देख सकते हैं। अभी तो शाम जान दे जान दे जान दे गाड़ी 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 150 150 ले जाओ 150 150 ले जाओ ले VIP ले जाओ भाई जान उस भाई ना आओ चलिए कॉल। ये UMT का स्पोर्ट्स एरिया है, यहां पे वॉलीबॉल खेला जाता है, नेट लगा हुआ है।
ये हमारी एलसीडी है, यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच लगा था कल। हाँ, तू ना वेट ही की अभी हम UMT के कैफेटेरिया पहुंचे हैं जहाँ पे हम नाश्ता वगैरह करते होते हैं अक्सर। कैफेटेरिया में आ गए हैं, देखते हैं इन दोनों में से कौन शेक पिलाता है हमें। शेक पिला रहा है ये था हमारा UMT का शॉर्ट विजिट, तो इंशाल्लाह किसी दिन जो है पूरी प्रॉपर वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। अभी शाम हो चुके हैं इसलिए हम वीडियो का एंड कर रहे हैं यहाँ पे। तो वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये दो बंदे अब मेरे साथ नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है आजकल काफ़ी एक न्यूज़ उठी हुई है और रियलिटी भी है कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। इसराइल जिसका नाम भी गंदे लफ्ज़ों में याद किया जाता है, वो कि मुसलमानों पर कैसा जुल्म कर रहा है, जो कि एक हदीस में भी मेंशन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आपको पता है कि जैसे काफ़ी मुल्क स्पेशली ईरान इस पर जो है वो काफ़ी एक्शन ले रहा है, काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी इस तरह की कोई सपोर्ट नहीं आई। तो हमारी आवाम भी इस तरह की है कि टिकटॉक पे बैठ के या यूट्यूब पे बैठ के सिर्फ स्क्रॉल करके नीचे कमेंट की जा रही है प्रे फॉर फलस्तीन। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सपोर्ट दिखानी चाहिए पाकिस्तान की तरफ से। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आर्मी को कि प्रॉपर सपोर्ट दिखानी चाहिए। तो ये देख सकते हैं फाइटर जेट यहाँ पर भी खड़ा हुआ है, वहाँ पर भी ये खड़े हुए हैं, यूज़ नहीं हो रहे। तो प्रे फॉर फलस्तीन और इसराइल मुर्तबा।